लोगों के फायदे को लेकर तैयार किया गया यूनिक प्रॉपर्टी आईडी। नॉर्थ एमसीडी ने 15 अंकों का एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी तैयार किया है। इसकी मदद से घर का पता चलेगा और ये लोगों को कई सालों के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को भुगतान करने में भी मदद करेगा। अब तक करीब 2.51 लाख प्रॉपर्टी का यूनिक आईडी तैयार कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नहीं की रेपो रेट में गिरावट। होम लोन लेने वालों को उम्मीद है कि होम लोन दरों में गिरावट आएगी। हालांकि आरबीआई ने अप्रैल की बैठक में रेपो रेट में गिरावट नहीं की थी। कुछ प्रमुख उधार देने वाले संस्थाओं ने अपने होम लोन ब्याज दर कम कर दी है ताकि अधिक से अधिक लोग लोन ले सके। लेमन ट्री करेगी नोएडा में एसोटेक रियलिटी के अपार्टमेंट सैंडल सूट का संचालन। लेमन ट्री होटल की शाखा कार्नेशन होटल अब नोएडा में एसोटेक रियलिटी के अपार्टमेंट सैंडल सूट का संचालन करेगी। इसको लेकर दिल्ली स्टेट होटल चेन और रियलिटी फर्म के सहायक सैंडल सूट के बीच समझौता हुआ। DHFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और आधार हाउसिंग का विलय जल्द। दीवान हाउसिंग समूह की कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और DHFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलय को राष्ट्रीय आवास बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। अब तक यह विलय अगस्त 2017 तक पूरा होने की उम्मीद है।